तो गाइस आज हमारा शेरू गांव जा रहा है, हम बड़े अपसेट हो रखे हैं, रोना आ रहा है, उसको भेजने पर क्या करें, मजबूर हैं हम, क्योंकि यहाँ फ्लैट में कहाँ रख सकते हैं इसको, कितने दिन तक रख सकते हैं, इधर उधर जाना होता है, अकेला रहता नहीं है। अब खुश तो रहता है, देखना कैसे वो कर रहा है, उसको नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्या हुआ, क्यों लाई है तेरे को बाबू, भेजू ना भेजू बोल, भेजू ना भेजू, भेजने का मन भी नहीं कर रहा, तो क्या करें, इसको खुलना चाहिए, घूमना फिरना, अकेला ही रहता नहीं, हमें भी नहीं इधर उधर जाना होता तो कैसे करके इसको छोड़ेंगे, कभी गांव जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है, अकेला भी नहीं रहता, बच्चे की तरह पालन, खड़ा हो तुझे भी जाना है बेटा, गाँव बात कर तेरी, अच्छे से रहना वहाँ, अच्छे से रहना, परेशान मत करना, ठीक है, अच्छे से रहना, घर में मिलने आएंगे गाँव, ठीक है बाबू, उसके लिए थोड़ा सामान सामान ला रहे थे हमें गाँव के लिए, या तो कई चीज़ें खाता था गाँव में, जो भी वैसे सब कुछ खाता, जो भी मिलेगा खाए, तो उसे लाती नहीं ना, तो आज ऐसा होता नहीं, ये लाती नहीं तो कहाँ से इतना प्यार होता है, कहाँ से इसको पाला, बच्चे की तरह आप देना पड़ रहा है, मजबूरी में कि भाई आप कहाँ रखें यहाँ, अरे हम बड़े अपसेट हो रखे हैं, रोना आ रहा है, उसको भेजने पर क्या करें, मजबूर हैं हम, क्योंकि यहाँ फ्लैट में कहाँ रख सकते हैं इसको, कितने दिन तक रख सकते हैं, इधर उधर जाना होता है, अकेला रहता नहीं है, अब खुश तो रहता है, देखना कैसे वो कर रहा है, उसको नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। बाबू उठी जा, उठी जा बाबू, उठी जा, तो गाइस शेरू जा रहा है आज गांव, देखते हैं इस तरह से रहता गांव में, बहुत उदास हो रहे हैं हम भी, शेरू तो वहाँ जाके होगा उदास, अभी उसको कुछ पता नहीं है बेचारे को, दीन दुनिया का मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे को कहाँ भेज रहे हैं, कहाँ से लाए, कहाँ मैं जा रहा हूँ, कहाँ पला बड़ा हुआ, अपनी तरफ से तो मैंने उसको खूब अच्छे बच्चे की तरह पाला, अब भेजना पड़ रहा है वहाँ, शेरू बाय बाय, शेरू बाबू बाय बाय, दीदी नाराज हो रखी है उसकी, क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्या करें दीदी हो रहे हैं नाराज, नहीं देना बस, तो गाइस ये देखो शेरू अब खाने का इंतज़ार कर रहा है, यहाँ पे शेरू का मम्मी लास्ट मील तैयार कर रही है, लास्ट खाना मम्मी के हाथों से, ये हमारा शेरी, तुम्हें पता है ना, बस हम लोग को पता है ना, उतना काफ़ी है अभी, ये
पेडिग्री ब्रेड दूध सब डाल दिया, सब डाल दिया मम्मा ने। देखो कैसे बैठा है, सिट ये देखो, सिट बेटा। मम्मा क्या दे रही, शेरू को ले। ले 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 ले, खा ले आराम से खा ले। हाँ तब विदाई करेंगे आपकी थोड़ी देर में। बेटा सही से रहना, हाथी दे बाबू खा। शेरू की कंघी है, ये सारा सामान शेरू का पैक हो रहा है, ये टॉयज वगैरह, ये उसके मुंह का खिलौने, बॉल, ये उसका वो है क्या बोलते हैं उसको, हैंगर, ये सब है। ये देखो उसके शैम्पू, माल्या शैम्पू, ये ब्रश सब लाई थी मैं यार, सब पैक हो रहा है, शेरू खुद पैक हो रहा है। हमारा चेरी, मेरा चेरी मेरा बच्चा, बाय बाय चेरी, बाय बोल क्या था, बाय। हमारा पहला आखिरी कुत्ता शेरू ही है, ये उसका वो है खाने पीने का। मैं नाक को लगे पीता, यहाँ देख डिग्री आ रही है, तो कितने सारे ये पैकेट सारे है एक अंदर। बेटा खा लेना वहाँ, आपके लिए है सब कुछ, बिस्किट भी हैं। अब शेरू की जो पैकिंग है प्रॉपर हो गई है। ये शेरू का सेरेलैक्स है, इसको ही पैक कर रहे हैं हम। देखो गाइस अब शेरू जा रहा है, देखो बस आ गई उसकी, हम शेरू सब विदा ले रहे हैं। डॉगी 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 बाबू शेरू भाई, चली गई बस, इसमें जाएगा मेरा शेरू। चली गई, तो भगवान करे शेरू सही ढंग से गांव पहुंच जाए, शेरू का इसके शेर के सारा आशीर्वाद है। शेरू के बिना सुनसान लग रहा है, कूदता रहता था वो। तो गैज में वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, तो हमारे वीडियो को देखते रहे, शेरू के साथ ही लास्ट वीडियो है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, देखना, करना, थैंक यू सो मच। हमारी शेरू की लास्ट वीडियो है, शेरू सही रहे, सुखी रहे। सो गाइज हमारे शेरू का बिल्कुल भी जाने का मन नहीं हो रहा, जैसे कि आप सब देख पा रहे हो, और हमने अपना शेरू अंकित को दे दिया है, मतलब अंकित का गांव सुकरो है, और वो लेके जा रहा है शेरू को, बहुत अच्छे ढंग से रखेंगे वो। बहुत लोगों ने बोला कि शेरू हमको चाहिए, पर अंकित औरों पे मुझे है कि वो उसको बहुत प्यार से रखेंगे, तो इसलिए उसको गांव लेके जा रहा है अपने साथ। वो भी छुट्टी पे जा रहा है गांव, अपने घर दे देगा अंकल आंटी को, मतलब अपने मम्मी पापा को। और जो शेरू है अभी ये कहीं पे पहुंच गए हैं, वहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप हुई है गाड़ी, तो इसका दोस्त मिल गया उसको, मस्त खेल रहा है उसके साथ, और अंकित बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है उसका।
और गाइस हमें लगता है कि शेरू गांव में बहुत खुश रहेगा, यहाँ वहाँ घूमेगा, उसके लिए खेलने के लिए अच्छा रहेगा, भागता रहेगा यहाँ वहाँ। यहाँ रेसिडेंशियल एरिया में ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम इसे गांव भेज रहे हैं। और अब शेरू गांव भी पहुँच ही गया है लगभग। सो गाइस, शेरू अब गांव पहुंच गया है, वादियों के मज़े ले रहा है उत्तराखंड में, ये देखो। और अंकित को मैंने कहा था, भाई मेरा राजा बेटा बहुत प्यार से ले जाना, उसने इतने प्यार से पकड़ रखा, पूरे रास्ते गोदी में लेके गया इसको, जबकि शेरू की प्रॉपर टिकट हो रखी थी और प्रॉपर सीट मिली थी इसको, लेकिन उसके बाद भी इतने प्यार से लेके जा रहा है वो इसको। सो गाइस, धुमाकोट से भौन तक तो ये लोग गाड़ी में गए, उसके बाद पैदल चलने का रास्ता थोड़ा सा ट्रैक्टर से गए थे। अब इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा गंदा हो गया तो अंकित ने मस्त नहला दिया उसको, जैसे कि आप सब देख पा रहे हो कितने प्यार से नहला रहा है। और ना हमारे गांव में से पनेर होते हैं तो वहाँ पे पानी आता रहता है 24 घंटे, तो वहाँ पे नहला रहा है उसको। तो शेरू का हमने सब सामान दे दिया था, कंघी वगैरह, शैम्पू, जो भी पेडिग्री वगैरह, क्योंकि गांव में शायद पेडिग्री ना मिले इसलिए बाकी चीज़ें तो गांव में मिल जाती हैं आराम से। बाकी वो उसके शैम्पू से उसको नहला रहा है, तो भाई नहा भी रहा है, वो भी गनीमत है, क्योंकि गांव में बहुत ठंडा रहता है और आज तो बारिश जैसा मौसम भी हो रहा है। अरे शैम्पू साफ करीब है ना, पता चला बाहर जाने में। तो गाइस देखो, जैसे हमारे शेरू को बेड में सोने की आदत है अपना पिकाचू पकड़ के, वैसे तो ये मुझे गले लग के सोता था, पर अब मैं नहीं हूँ तो पिकाचू पकड़ के सोया है। वैसे मम्मी के साथ सोता था ऐसे बेड पे, अब उसको था कि बेड पे सोता हूँ मैं, सीधा अंकित के घर पे बेड पे जाके सो गया। देखो पिकाचू पकड़ के अपने आप, यार याद बहुत आ रही है इसकी, पर अब क्या करें। चलो गाइस, ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ, और आप शेरू पतानी हमारे ब्लॉग में आपको देखने को नहीं मिलेगा शायद कभी भी, तो ये लास्ट ब्लॉग है शेरू के साथ, तो एंजॉय करिए और शेरू को आशीर्वाद दीजिए। बाय।